हे गाइस, श्री कृष्ण जी की ड्राइंग को कलर करने का समय आ चुका है। समय तो बहुत पहले आ चुका था, मैं खुद ही भूल गया था। और आउटलाइन तो मैंने पहले से बना रखा था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख लेना। डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक जरूर से दे दूंगा। और अगर आपको भी ऐसा ड्रॉ करना है तो मेरी आउटलाइन की वीडियो और ये कलर वाली वीडियो देख करके आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। सो ट्राई करके जरूर से देखना एक बार। सो चलो आज के इस वीडियो में श्री कृष्ण जी को कलर करते हैं। और कलर करने के लिए मैं यूज करूंगा ऑयल पेस्टल्स का, जो कि है डॉम्स की तरफ से और यही मेरे पास है। तो चलो इसका यूज करके हम लोग आज श्री कृष्ण जी को कलर करेंगे और देखेंगे कि कैसा कलर हो पाते हैं। ऑयल पेस्टल में मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ और मुझे कोई खास एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स भी आएंगी। तो आप देखना वीडियो में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं मुझको और फाइनली रिजल्ट कैसा हो पा रहा है। सो चलिए कलर करते हैं और वीडियो में बने रहिए आप। मैं पेस्टल्स को क्लीन करके तब यूज कर रहा हूँ, जिससे इसके ऊपर कोई अगर दूसरा कलर लगा होगा तो वो क्लीन हो जाएगा और एक सैचुरेटेड कलर हमें मिल पाएगा। तो आप भी ऐसा क्लीन करके यूज करना। शायद अभी आपको ये अच्छा ना लग रहा हो, बट आगे आपको अच्छा लगेगा। थोड़ा सा और टाइम दीजिए, ये जरूर आपको अच्छा लगेगा। अभी मुझे चाहिए ईयरबड्स इसको अच्छे से ब्लेंड करने के लिए। सो मैं ईयरबड लेकर के तब इसको फिर से शूट करता हूँ। ओके, यहाँ अलग अलग कलर्स के लिए मैं अलग अलग कॉटन बड का यूज कर रहा हूँ। और किसी किसी जगह पे ऑयल पेस्टल कलर यूज नहीं हो पा रहा था, तो मैं कलर पेंसिल का यूज कर ले रहा हूँ। मुझे काफ़ी तेज सर्दी जुकाम हो गया था और काफ़ी रात भी हो गई थी, बार बार आंखों में पानी आ जा रहा था और धुंधला दिखने लग रहा था। तो अब मैंने कल कंटिन्यू करने का सोचा। आप देख सकते हो आंखों में बार बार पानी आ जा रहा है। तो अब कल ही ड्रॉ करेंगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। क्योंकि मुझे ऑयल पेस्टल का खास एक्सपीरियंस नहीं था, तो मुझे कुछ एक्सपेरिमेंट भी करना पड़ा। जैसे इसमें तिलक जो ड्रॉ करना है उसके लिए कौन सा आइडिया सही रहेगा, पहले लाइट कलर या पहले डार्क कलर। तो मुझे नीचे वाला अच्छा लगा, जिसमें हल्का सा पहले लाइट कलर, फिर उसके ऊपर डार्क कलर, फिर उसको क्लीन करके हम लोग अच्छा सा टेक्स्चर ला सकते हैं। सो मैंने इसी को यूज किया, नीचे वाला जो अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ। Thank you.
प्रॉब्लम्स के साथ श्री कृष्ण जी की ड्रॉइंग कुछ ऐसा बना है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सो फाइनल ड्रॉइंग कुछ ऐसा बना है। टंकी तो खाली है बाबा, वो सुने माँ टंकी खाली है। मुझे इसको ड्रॉ करके काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी मज़ा भी आया इसको ड्रॉ करने में। और जिन जिन जगहों पर मैंने लेयरिंग करके कलर करने का सोचा था ऑयल पेस्टल के साथ, तो लेयरिंग सही से नहीं हो पा रहा था, तो मुझे कलर पेंसिल का भी यूज करना पड़ा। और मैंने सिंपल सा नॉर्मल वाला कलर पेंसिल डोम्स का यूज़ किया है, जो मतलब इसमें से भी एक दो या जो 100 रुपये के अंदर आता है 24 कलर का सेट, वो वाला। सो उन सब का यूज करके फाइनल ड्रॉइंग कुछ ऐसा बना है। और अब आप कमेंट करके बताओ कि यह ड्रॉइंग कैसा बना है मुझसे, और यह वीडियो आपको कैसा लगा। और रिसेंटली मैंने कुछ कलर पेंसिल्स भी परचेज किया है, जो कि कुछ ये हैं, दिखाऊं? हाँ देख लो, जो कि ये है मेरे पास पहले से था और ये मैंने परचेज किया है, और एक छुटकू सा भी है ये वाला, और एक सबका बड़ा भाई भी है ये वाला। तो आप कमेंट करके बताना अगर रिव्यू या फिर रिव्यू चाहिए होगा तो। और इससे मैं आगे कुछ ड्राइंग्स बनाऊंगा, तो वो भी देखने को मिलेगा आपको। और आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, और पसंद नहीं आया तो कमेंट जरूर से कर दीजिए कि पसंद क्यों नहीं आया। और डिसलाइक भी कर सकते हो आप, कमेंट जरूर से कर देना कि क्यों पसंद नहीं आया। और ऐसे ही ड्राइंग वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन को भी ऑल कर लेना। और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा, इससे थोड़ा सा सपोर्ट हो जाएगा मेरे लिए। और बस आप मेरे लिए बस इतना ही कर दो कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर से कर देना। और भी जो ड्राइंग्स बची हैं पेंडिंग में, उन सबको मैं कंप्लीट कर रहा हूँ धीरे, सो उन सबको आपको देखने को मिलेगा। और मैं ड्राइंग की ट्यूटोरियल्स भी बनाने की सोच रहा हूँ, और उसी के साथ साथ मैं भी कुछ सीख लूंगा। सो बने रहिए चैनल पे हमारे साथ, मतलब मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।